नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ सपा नेता बॉबी त्यागी उर्फ दीपक के नेतृत्व में चरथावल विधानसभा के गांव बूढ़ीना कला, धोलरी, धोलरा, जसोई, छतेला, हैबतपुर, निर्धरा, पावटी खुर्द में पहुंचकर साइकिल यात्रा निकालते हुए सभी ग्रामीणों से संपर्क किया और आह्वान पत्र का वितरण करते हुए समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान उनके साथ शुभम कश्यप, परविंदर, गौरव कश्यप, देवेंद्र शर्मा, रवि बालियान, शाहवेज राणा, अब्दुल कयूम, जाबिर राणा, कयूम मंसूरी, अखलाक गुजर, जुनैद सैफी, अनस गुजर, इसरान अली, फुरकान त्यागी, जीशान त्यागी, शाहवेज त्यागी, नौशाद त्यागी, दिलशाद त्यागी, तनवीर त्यागी, अंकित कुमार, गोविंद कश्यप, नरेश कुमार आदि काफी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित नालंदा पब्लिक स्कूल का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित हुआ कक्षा 10 का परिणाम 100% रहा, जिसमें गांव पावटी निवासी योगराज सिंह ने 94.2% अंक प्राप्त करते हुए चरथावल को टॉप किया। सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम में चरथावल कस्बे के रोहाना मार्ग पर स्थित नालंदा पब्लिक स्कूल का कक्षा दस का परिणाम 100% रहा। इस दौरान पावटी निवासी योगराज सिंह ने 94.2% अंक प्राप्त कर गाँव व स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं चरथावल निवासी यश त्यागी ने 94% अंक प्राप्त कर दूसरा तथा हिमांशी मलिक व नित्या भारद्वाज ने संयुक्त रूप से 93.4% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधक विनेश त्यागी व प्रधानाचार्य संजय सिंह ने विद्यालय की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया तथा प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली देश और प्रदेश पूर्ण बहुमत वाली सरकार के कर्मचारी की अनदेखी, बार बार ज्ञापन और शिकायती पत्र देने के बावजूद भी तहसील से सटे हुए गांव धवा रखवारा मार्ग, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने वर्षों पहले बनाया था, उसकी खस्ता हालत देखते ही बनती है। गड्ढा मुक्त सड़कों और सरकार की जनहितैषी योजनाओं पर पलीता लगाना देखना है तो तहसील मंडावरा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव धवा संपर्क मार्ग को देखकर और इसे इंसानी जिंदगी को खतरे में डालने वाली सालों से टूटी पड़ी पुलिया को देखकर पता लगाया जा सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार कई साल से शिकायती पत्र दे रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी काम नहीं कराया गया। जनपद शामली के थाना भवन विकास खंड के गांव दबेड़ी में एसडीएम संदीप कुमार व नायब तहसीलदार ओमेंद्र गुप्ता ने पहुंचकर निरीक्षण किया। एडीएम ने ग्राम सभा की बंजर भूमि पर पंचायत घर का निर्माण पर पड़ोसी किसान के विवाद के चलते उक्त भूमि की पैमाइश कराई गई। हल्का लेखपाल व कानूनगो ने विवादित भूमि की पैमाइश करने पर ग्राम सभा की कुछ भूमि पड़ोसी किसान के खेत में ही निकली, जिसे एसडीएम ने मौके पर ही पैमाइश कर खाली कराई। उक्त भूमि को पंचायत भवन में ही बाउंड्री कर सम्मिलित करने का आदेश दिया गया। गाँव में आरिफ पक्ष ने एसडीएम से शिकायत की कि गाँव में शत्रु संपत्ति पर गाँव के प्रधान पक्ष के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस पर एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि मुंबई लखनऊ से प्रशासन संपत्ति के पुराने अभिलेख मंगवाए गए हैं। अभिलेख हासिल होते ही शत्रु संपत्ति को अवैध कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई होगी। राव आरिफ ने शिकायत की थी कि गांव में कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। कानून को अशोक कुमार को तालाब की पैमाइश कर कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं गांव के ही आबिद ने शिकायत की थी कि गांव की पशुचरण भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। एसडीएम संदीप कुमार ने अधीनस्थ कर्मचारी को पशुचरण, बंजर भूमि, ग्राम समाज की भूमि को चिन्हित कर अवैध कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। एसडीएम के समक्ष आरिफ व आबिद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस पर उन्होंने चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह को आदेश दिए। चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पहुंचने से पहले ही मामला शांत हो गया था और निरीक्षण स्थल से सभी अपने घर जा चुके थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव सहावली में जन जन तक पहुंचाने के लिए समाजवादी आह्वान मुहिम को पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार महेश बंसल द्वारा हरी झंडी दिखाकर चालू किया गया। साइकिल चलाने वालों में मुख्य रूप से विजय, अमित, प्रशांत, अमर, दीपक मौजूद रहे। पूर्व मंत्री महेश बंसल ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान सभी बुरी तरह परेशान हैं। इस सरकार की नीतियां जनहित में नहीं है। किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हो पा रहा। मजदूरों और युवाओं को रोजगार नहीं है।
हैं, व्यापारी त्रस्त है। इस समय प्रदेश में और देश में अखिलेश यादव जैसे विकास पुरुष की आवश्यकता है। इस प्रदेश को फिर से समाजवादी सरकार और मुख्यमंत्री के रूप में विकास पुरुष अखिलेश यादव की जरूरत है। इस मौके पर पूर्व प्रधान राजेंद्र चौधरी, दीपक चौधरी, विकास गोयल, सतबीर सिंह, अंकुर बालियान, डॉक्टर विशाल चौधरी, सागर, अमर, लीलू, संजय, प्रदीप मोंटी, ओमवीर, सुरेश, सतीश, सत्यपाल, सुनील, जयपाल आदि मौजूद रहे। गुज्जर युवाओं ने अशोक गहलोत का पुतला फूका है। मेरठ जिले के कस्बा मवाना में मिहिर भोज सिराहे पर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से निष्कासित किए जाने के विरोध में अंकित प्रधान निंडावली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुज्जर समाज के युवाओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका और अपना विरोध प्रकट करते हुए कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। कस्बा मवाना में उसमें तमाम युवा गुज्जर समाज से, छत्तीसगढ़ राज्य से, अलग अलग समाजों से मेरे साथ युवा मेरे भाई झंझेड़ी से भी है, काफी लोग हैं। जो हमारे नेता है सचिन पायलट जी, उनके सोनिया गांधी जी के और गहलोत सरकार के विरोध में हमने धरना प्रदर्शन करा है और पुतले को आग दी है उनके। और अगर सचिन पायलट जी को कहीं भी कोई भी आ जाएगी तो गुज्जर समाज ने छत्तीस बिरादरी उसे सहन नहीं करेगी। चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, रोड़े से रोड़ा बजाने का काम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। हमारी जो कौम है वो धन सिंह कोतवाल के वंशज है, हम नस्ल है हमारी, हम पीछे छोड़ने वाले नहीं। अगर हमारे कहीं भी सचिन पायलट जी के कहीं भी, जैसे उन्होंने अभी पिछले इलेक्शन की बात उठा लो, गहलोत सरकार ने 15 सीट लाया था जीत के, कहाँ गए थे गहलोत सरकार, कहाँ गई थी राहुल गांधी जी, क्या क्या राहुल गांधी जी, आज समाप्त खत्म होगी पार्टी। अगर राजस्थान में उस पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया तो हमारा नेता गुर्जर समाज छत्तीस बिरादरियों का, हर हितैषी का, हर गरीब नागरिक का, हर का साथी, हर मजदूर का साथी वो सचिन पायलट है, जिन्होंने राजस्थान में सरकार बनाई। यार आज क्या दिया हमारे सचिन भाई को, आज गुर्जर समाज बहुत निंदा करता है इस सरकार की और इस सरकार को आने वाले चुनाव में किसी प्रत्याशी राजस्थान छोड़ किसी भी कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे यूपी हो कहीं भी, हम प्रत्याशी कुछ नहीं देंगे। गुज्जर समाज इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम साथी आज युवा सभी साथी हुए, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी हम सड़कों पे जाम होंगे, हम लॉकडाउन भी नहीं मानेंगे आने वाले समय में। अगर हमारे नेता के साथ कहीं भी गलत या अत्याचार होगा हम अपने नेता के साथ छत्तीस बिरादरी सचिन पायलट जी के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला दिन और रात। जय हिंद जय भारत, सचिन पायलट। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार रात को हुई बारिश के बाद पुश्ता ढहने से चक्कूवाला इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। इंदिरानगर कॉलोनी में एक मकान का पुश्ता ढहने से पूरा मकान जमींदोज हो गया। मकान ढहने की आवाज़ सुनकर आसपास के तमाम लोग मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस और प्रशासन को भी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने राहत कार्य शुरू किया। मकान के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका थी, जहां टीम ने जल्द ही तीन लोगों को जिंदा निकाल लिया, जबकि गर्भवती महिला समेत तीन के शव बरामद हुए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर रेस्क्यू करने में काफी देर तक लगी रही। देखिए ये जो दुर्घट घटना हुई है उससे तो बहुत मतलब हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, और भगवान उन जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चले गए भगवान उनके आत्माओं को शांति दे। एक उसमें गर्भवती महिला थी जिसकी डिलीवरी आज या कल में होनी थी, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दुखद मतलब कि शब्द नहीं हो रहे हमारे पास बोलने के लिए, इतना भयंकर हादसा हुआ है कि बोल नहीं सकते। नगर कॉलोनी में हमारी इंदिरा कॉलोनी में इस समय जो ये दुर्घटना घटी है, जो पुश्ता ढहा है, ये बहुत ही दुख का विषय है और इस पर हम शोक प्रकट करते हैं। जो हमारी बहनें जो गर्भवती भी थी वो भी इस मलबे में दबके उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जीवित हैं उनको किस तरीके से आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिले, ये हमारी मांग है कि उनके परिवार जो उस दुख में इस समय खड़ा है या दुख में है उनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। हमारी पार्षद सविता सोनकर जी की मदद से काफ़ी अच्छा यहाँ सराहनीय कदम अधिकारियों द्वारा किया गया है। हम चाहते हैं कि जितने और जो कॉलोनी के जो लोग हैं जिनके ऊपर जो डेंजर इस समय ये पुश्ता गिरने की कगार पर है, तो इसमें इनकी सुरक्षा की जाए और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। जो इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद देकर के कम से कम उनको एक सहानुभूति दी जाए सरकार की तरफ से, ये हमारी मांग है। हाँ, ये रात को कला में ये लगभग एक डेढ़ बजे करीब जो है लगभग ये हादसा हुआ है,
और 2 बजे 1:45 बजे मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत मतलब काल मौके पर पहुँचा हूँ। यहाँ देखा तो बहुत बड़ा हादसा है, पूरे सारे अधिकारी DM SDM और आपके हमारे SSP वगैरह पूरी टीम आपदा की यहाँ पे मौजूद थी। हमारे क्षेत्र के लोग भी पूरे जितने युवाओं थे सबने संघर्ष करा, जितना जैसे बना सबने हमें स्तर से कार्य किया, हमने मदद करी है। और बस ये बड़ी दुख की बात है कि जो इस प्लॉटिंग में जो अवैध प्लॉटिंग की गई है, जो रजिस्ट्री की ज़मीन है वो तो कर रहे हैं, मगर इसमें नगर निगम की भी कुछ ज़मीनें ऐसी है जिसमें उस तरीके से जो है प्लॉटिंग की गई है। अब क्षेत्र में लोग यही कह रहे हैं अधिकतर कि कल बाहर से गए उसमें मलबा मंगा के उसको भराया गया है, और इसकी वजह से जो है पुराना पुश्ता था लोड ज़्यादा होने के कारण, और इसकी पानी की निकासी नहीं है, मैन पानी की निकासी का साधन है ही नहीं किसी एंगल पर, क्योंकि वहाँ से गड्ढा है आगे जहाँ मेन रास्ता है इसका बहुत ऊँचाई में है। इसकी निकासी जो है हमारे इधर पीछे से इंदिरा कॉलोनी के अंदर ही निकालना चाह रहे थे कि क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पे जो है इसका विरोध भी किया, तो उसके बावजूद जल संस्थान यहाँ पे सीवर लाइन भी निकालना चाह रहे थे। क्षेत्र के लोगों ने पूरी एप्लीकेशन बना के जल संस्थान को भी दी है, मेरे को भी दी है उन्होंने, तो हम चाहते हैं कि कहना है तत्काल उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया, सीएम वाजी ने भी बोला कि यहाँ पे कोई सीवर लाइन नहीं आएगी, पानी की निकासी नहीं होगी और जो है कहना दिखाएंगे, मगर परमात्मा की क्या थी जो कहना ऐसा मौका नहीं मिला इन लोगों को, और अचानक ही बरसात हुई होगी। पुराना पुश्ता था और इससे पहले 2007 के अंदर भी यहाँ पे जो है पुश्ता गिरा था और इसकी सारा पूरा मलबा समेत इस गली के अंदर पूरे में घुस गया था, तो उस टाइम भी बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है, मगर आज तो ऐसी आपदा आ गई है तो हमारी बड़ी दुख की बात है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर निवासी अधिवक्ता की पुत्री ने CBSE की कक्षा 10 में 98% अंक प्राप्त कर कस्बे में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर कस्बे का नाम रोशन किया। विधि की सफलता पर माता पिता व नगरवासियों ने उसे बधाई दी। विधि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों व माता पिता को दिया। कस्बे के मोहल्ला नवापट्टी निवासी अधिवक्ता रोहित डागा की पुत्री विधि डागा बिजनौर के माउंट लिटा स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा है। CBSE बोर्ड के बुधवार को कक्षा 10 के परिणाम घोषित हुए। परीक्षा परिणाम में विधि डागा ने 98% अंक प्राप्त किए। विधि डागा ने अपने स्कूल के साथ साथ मीरापुर कस्बे में भी सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त कर कस्बे व माता पिता का नाम रोशन किया। विधि की सफलता पर उसके माता सुरभि डागा व पिता अधिवक्ता रोहित डागा ने गर्व महसूस किया है। विधि की इस उपलब्धि के बाद उसके घर बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने जो है 99.6% बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छा है, फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर टू। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है पूरे 10th में और मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत आगे जाना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हो? IAS ऑफिसर बनना मेरा ड्रीम है। आपसे काफ़ी जूनियर हैं, आपको क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप उनको? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसी सफलता करे और हमेशा अच्छे मार्क्स लाए ताकि सब खुश हो। आप ये श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं ये श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगी। प्रधानमंत्री आवास योजना डूडा विभाग में कार्यरत कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही मीरापुर पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मीरापुर कस्बे में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बुधवार को कर्मचारी के संपर्क में रहने वाले सभासदों व नगर पंचायत कर्मचारी की कोरोना टेस्ट के लिए नगर पंचायत कार्यालय में प्रशासन के निर्देश पर कोरोना जाँच के लिए जानसर CSC प्रभारी डॉक्टर अशोक व उनके सहयोगी चिकित्सकों के द्वारा कस्बे में कोरोना जाँच शिविर लगाया गया, जिसमें कोरोना जाँच के लिए 40 लोगों के सैंपल भेजे गए। इन सभी में सभासद अन्य कर्मचारी शामिल हैं। मीरापुर आदिशासी अधिकारी अनुप राय ने बताया कि कस्बे के कई मोहल्लों में पिछले दिनों कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बिजनौर निवासी प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यरत कर्मचारी की रिपोर्ट भी पिछले दिनों पॉजिटिव आई थी तथा यह कर्मचारी नगर पंचायत कर्मचारियों व सभासदों के संपर्क में रहा था। इसी के चलते नगर पंचायत सभागार में कोरोना जाँच के लिए शिविर लगाया गया था। SSP अभिषेक यादव और SP देहात नेपाल सिंह और CO जानसठ शकील अहमद के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मीरापुर SN सिंह के निर्देश पर कस्बा इंचार्ज अजय बालिया ने कस्बे में बिना मास्क व बिना हेलमेट के बाइक चेकिंग चलाया, जिसमें बाइक चालकों व बिना मास्क के चलने वालों में हड़कंप मचा रहा। वहीं कस्बा इंचार्ज अजय बालिया ने कई बाइक चालकों के चालान काटे और बिना मास्क के घूमते मिले लोगों के भी चालान काटे गए। जब कस्बा इंचार्ज अजय बालिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाइकों पर तीन तीन को बैठाकर और बिना मास्क चलने वाले लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी खुराफात करते मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी ने एक बछड़े को टक्कर मार दी, जिससे बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बछड़े को गड्ढा खोदकर दबवा दिया। पिछले कुछ दिनों से गांव बलीपुरा के समीप दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर एक गोवंश लावारिस अवस्था में घूम रहा था। बीती रात्रि बिजनौर की ओर से तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने उक्त गोवंश को टक्कर मार दी, जिसमें बछड़ा लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप चालक गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्र हो गई और लोगों में रोष फैलने लगा। सूचना पर मीरापुर थाने की पीआरवी मौके पर पहुंची और सड़क पर मृत पड़े बछड़े को गड्ढा खुदवा कर दबा दिया। मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील परिसर में पूर्व राज्य मंत्री योगराज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा लगातार किसानों को अपमान किया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार द्वारा भी किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सैकड़ों की संख्या में तहसील परिसर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी खतौली इंद्रकांत द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व राज्य मंत्री योगराज सिंह ने कहा कि सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पूर्व कानपुर में 8 से 10 पुलिस वालों की हत्या कर गई। आज से 20 साल पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस सरकार में विपक्ष पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया जा रहा, बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है। आज इन सभी मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा खतौली तहसील परिसर में इकट्ठा होकर सरकार से मांग की गई है कि लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल की फीस माफ की जाए और बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दाम वापस लिए जाए, साथ ही किसानों का गन्ना भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। खतौली क्षेत्र में जो है यहाँ के किसानों की समस्या जो है वो गन्ना किसान का पेमेंट नहीं हुआ, बिजली की दिक्कत उनके सामने है और तहसील में उनकी कोई सुनवाई नहीं। तहसील में लोग आते हैं, उनकी समस्या होती है, उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। तो आज इन सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ पे आए हैं, अपनी बात कह रहे हैं और जब तक किसान का गन्ने का पेमेंट नहीं होगा या जब तक बिजली उसको नहीं मिलने की या जब तक जो आम जन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होगा, तब तक हम जो है इस पर विचार करेंगे। आज इसे लंबा भी चला सकते हैं, इसमें निर्णय देंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आज के दिन? मुद्दा मेन तो पेमेंट का है, किसान को पेमेंट मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। आज की तारीख में संक्रमण फैल रहा है, हमें कोई खुशी नहीं है कि हम यहाँ अपना धरना देंगे, हम भी मजबूरी में आए हैं, तो हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज खतौली तहसील में जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो गन्ना भुगतान है और किसान और मजदूरों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बिजली विभाग ने खड़ी कर दी है कि इस बार जो बिजली के बिल पहुंचे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आज कार्यकर्ता इसी मांग को लेकर जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि किसान और मजदूर की हमेशा राष्ट्रीय लोकदल बात करता है और करता रहेगा, हम इनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। तो हमने आज बिजली विभाग वालों को कहा है कि भाई ये जिस तरह से तुमने जो ये मीटर गांवों में लगा रखे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं लोगों, और गन्ना भुगतान की हमारी मांग है कि ऐसे माहौल में किसान के पास दूसरा तो कोई साथ है ही नहीं परिवार पालन पोषण करने का जरिया उसकी फसल के सिवा। आश्वासन ये है कि बिजली वालों को तो कहा कि कल से ही जो है गाँवों में जाकर उनके जो मीटर में चेक करेंगे और जहाँ बिल में गड़बड़ है वो बिल दूर करेंगे, और गन्ना भुगतान का भी एसडीएम साहब ने जो है आश्वस्त किया है कि जल्दी किसानों का भुगतान करा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर किसान क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता तो किसान सड़कों पर उतरेगा। जनपद शामली में युवती की 15 दिन बाद शादी होनी है, जबकि उसके नकदी और जेवरात बदमाश लूट कर ले गए। वहीं बेबस पिता थानों के चक्कर काटने को मजबूर है। लड़की का कहना है कि अब जाने कब उसकी डोली उठेगी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 6 जुलाई को रात्रि के लगभग 9 बजे 6 व्यक्तियों ने इस्लाम पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यामीन के घर में घुसकर इस्लाम की 18 वर्षीय लड़की व खातून के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी और मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि अब से 15 दिन बाद इस्लाम की बड़ी लड़की
18 वर्ष की शादी झिंझाना में होनी थी। इस्लाम की 10 वर्षीय छोटी लड़की पड़ोस में खेल रही थी, तभी खेल खेल में बच्चों में कहासुनी और मारपीट हो गई, जिससे दूसरे पक्ष के 6 लोगों ने घर में घुसकर इस्लाम की दोनों लड़की और खातून के साथ मारपीट की और जो लड़की की शादी के लिए जेवरात और नकदी थी वह लूट कर ले गए। इस मामले में 18 वर्षीय युवती जिसकी शादी होनी थी उसने बताया कि उसकी शादी झिंझाना में होने वाली थी। 15 दिन बाद बकरीद के समय छोटी बहन बाहर पड़ोस में खेल रही थी, तभी बच्चों में आपस में कुछ कहासुनी हो गई, जिससे पड़ोस के युवकों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और उसकी शादी के लिए रखे जेवरात व नकदी लूट कर ले गए। सीओ जितेंद्र कुमार का कहना है कि जन सुनवाई के दौरान 6 तारीख को यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद थाने में जांच आई। अब इस पर जांच चल रही है, कई बार दबिश दी जा चुकी है पर मुजरिम फरार हैं। जल्द ही मुजरिमों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लाम नामक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की शादी बकरा ईद में मुकर्रर हुई है, लेकिन शादी से पहले ही उसके साथ घर में बिना उसकी उपस्थिति में घुसकर कुछ लोगों ने मार पिटाई की, घर से पैसे और कुछ जेवर चोरी किए। सर ये पूरा क्या मामला है? इस संदर्भ में थाने से जानकारी की गई तो थाने पे इस संदर्भ में कोई भी वादी के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई, नहीं किसी उच्चाधिकारी को दी गई। एक इसी संदर्भ में जो जांच प्रार्थना पत्र है वो जनसुनवाई पोर्टल पर आवेदक द्वारा भेजा गया है, 7 जुलाई को उनके द्वारा भेजा गया और उसकी जांच जो है थाना कोतवाली छावनी पर जो हल्का इंचार्ज है उप निरीक्षक श्री कुंवर पाक्षिक के द्वारा की जा रही है। और इसमें जो जनसुनवाई पोर्टल पर संदर्भित प्रार्थना पत्रों का निर्धारित समय है उसी समयावधि के दौरान उसका जो नियमानुसार उसका निस्तारित करा दिया जाएगा। जनपद शामली के जिला चिकित्सालय में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई स्वास्थ्य विभाग से 6 लोगों की टीम ने निरीक्षण किया, वहीं सभी सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान कोई खामियां नहीं मिली, सभी सेवाएं दुरुस्त पाई गई। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जनपद शामली के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने पहुंची 6 सदस्यीय टीम ने सीएससी शामली का निरीक्षण किया। 6 लोगों की टीम ने सीएससी का बारीकी से निरीक्षण किया। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 6 लोगों की टीम ने जिला चिकित्सालय में महिला वार्ड, एक्सरे रूम, पर्ची कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं जिला अस्पताल आए मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 6 लोगों की टीम ने डॉक्टरों को बधाई दी और अस्पताल में अच्छे अरेंजमेंट के लिए डॉक्टरों की काफी तारीफ की। वहीं जिला चिकित्सालय में सभी सेवाएं दुरुस्त मिली। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 6 सदस्यीय टीम के डॉक्टर नीरज गौतम ने बताया कि जिला अस्पताल में सभी सेवाएं दुरुस्त मिली है। जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद मिले हैं। कोई भी खामियां जिला चिकित्सालय में नहीं मिल पाई। ये बेसिकली राज्य स्तर से हम लोग की ड्यूटी लगाई गई थी। ये कायक अवार्ड योजना के अंतर्गत यहाँ का एक्सटर्नल असेसमेंट हुआ है और काफ़ी अच्छा पाया गया। पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। देखते हैं रिजल्ट जो आएगा इनका, उसके हिसाब से ही इनको फिर अवार्ड दिया जाएगा। टीम में कितने लोग हैं? टीम में 3 लोग हैं। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 2 दिन पहले घोषित किए गए 12वीं कक्षा के रिजल्ट में 100% सफलता हासिल करने के बाद सहारनपुर के मिर्जापुर पोल में स्थित ग्लोकल स्कूल के छात्र छात्राओं ने 10वीं कक्षा के रिजल्ट में 100% सफलता हासिल की है। स्कूल के प्रधानाचार्य दीपक माटा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 28 छात्र छात्राओं ने कक्षा 10 की परीक्षा दी थी, जो सभी परीक्षा में सफल रहे हैं। कस्बा बेहट के छात्र कृष्णा गर्ग ने 93.8% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया है। प्रियांशु शर्मा ने 91.4% अंक प्राप्त कर दूसरे और गीतांजलि रावत ने 91% अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। छात्र कृष्ण गर्ग और उनके परिजनों ने रिजल्ट देखा तो उसके स्कूल का टॉपर देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ग्लोकल विश्वविद्यालय के चांसलर हाजी मोहम्मद इकबाल, सेक्रेटरी मोहम्मद वाजिद और स्कूल प्रधानाचार्य दीपक माटा ने स्कूल स्टाफ और टॉपर छात्र छात्राओं को मुबारकबाद दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।